हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। आज मैं आपको जो MEG-14 की पोइम की समरी करवाने जा रही हूँ, उसका नाम है द स्टेयर। इस पोइम को पहले हिंदी में लिखा गया था, और जब इसको हिंदी में लिखा गया था तो इसका टाइटल था टकटकी, ठीक है। और इसके जो पोइट हैं वो है रघुवीर सहाय, और इन्होंने खुद ही पहले इसको हिंदी में लिखा था और बाद में इंग्लिश में इन्होंने ही रघुवीर ने ही इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाद में, ठीक है। तो इन्होंने ही इसको हिंदी में लिखा और इन्होंने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये आप ध्यान में रखना। तो इसकी समरी करवाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी पोइम अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको बार बार मेरे चैनल के ऊपर ना जाना पड़े, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो पोइम की समरी शुरू करते हैं। लेकिन पोइम की समरी शुरू करने से पहले मैं इस पोइम का थीम आपको बता देती हूँ कि ये किस थीम के ऊपर बनी हुई है पोइम, ठीक है। किस थीम के ऊपर इस राइटर ने लिखा हुआ है इसको। इन दिस पोइम पोइट डिस्क्राइब अबाउट द सोशल क्राइसिस विच आर इग्नोर्ड बाय अलाइव पीपल विच इज़ वेरी शेमफुल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पोइट ने ये पोइम जो है, जो सोसाइटी के क्राइसिस होते हैं, जो सोसाइटी में घटनाएं होती है, ठीक है ना, जो बैड चीज़ें हैपन्ड होती हैं, और इन सोशल क्राइसिस को देखकर भी जो अलाइव लोग हैं, मतलब जिंदा लोग हैं, वो इन इनको देख करके भी अनजान बनते हैं, वो जो है इनको इग्नोर करते हैं। इस थीम के ऊपर जो है पोइट ने ये जो है ये पोइम लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हेयर द डेड मैन इज़ ओनली स्टेयरिंग एट द बाल्ड हेड्स, जो डेड मैन है वो यहाँ पर जो है स्टेयर कर रहा है, लगातार देख रहा है जो बाल्ड हेड्स है। वैसे बाल्ड तो जो है गंजा सिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल्ड हेड्स जो है, जो लिविंग लोग हैं उनको बोला है पोइट ने, ठीक है, उनके साथ बाल्ड हेड को कंपेयर किया हुआ है। तो मतलब जो लोग हैं वो, उनको कोई परवाह ही नहीं है सोसाइटी की। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, या फिर कोई किसी औरत को, कुछ लोग या फिर कोई ससुराल वाले किसी औरत को पीट रहे हैं, तो इधर उधर के लोग जो है वहाँ पर जा कर के कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इनका घर का मामला है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ या फिर बहुत सारी बैड चीज़ें सोसाइटी में हैपन्ड होती है, जो लोग देख करके भी अनजान बन जाते हैं, ठीक है ना, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस फिर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उसी के ऊपर पोइट, वैसी ही चीज़ों के ऊपर पोइट ने इस पोइम में बताने की कोशिश करी हुई है कि हमारी सोसाइटी, जो हमारे लिविंग लोग हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, बाल्ड लोग, बाल्ड हेड्स जो हैं लोगों को कहा गया है। द स्टेयर इज़ लाइक, इस पोइम का नाम ही स्टेयर है, तो स्टेयर का मतलब होता है एक एक टक देखना किसी को। जो स्टेयर है इज़ लाइक ए डेड और साइलेंट मशीन गन, जो जो है एक तो डेड है और साइलेंट जो मशीन गन होती है उसकी तरह है। मतलब ये जो डेड मैन है, ये देख तो रहे हैं लिविंग लोगों को, कि ये जो जिंदा लोग हैं उनको डेड मैन देख तो रहे हैं सोसाइटी में, बट ये जो डेड मैन है ये सिर्फ देख ही सकते हैं। तो इसीलिए इनका कंपैरिजन जो है डेड और साइलेंट मशीन गन के साथ किया हुआ है पोइट ने, विच कैन नॉट फायर, जो सब कुछ देख तो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो जो यहाँ पर सिंबल है, द सिंबल ऑफ मशीन गन, जो मशीन गन का एज अ सिंबल यूज, सिग्निफायर, एज अ सिग्निफायर यूज़ किया हुआ है पोइट ने, वो जो है किस सिचुएशन की निंदा कर रहा है या फिर व्यंग कस रहा है उस सिचुएशन के ऊपर, वो है ऑफ दैट डेड सोसाइटी। जो डेड सोसाइटी है उसकी निंदा करने के लिए पोइट ने जो है मशीन गन वर्ड का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। द डेड इज़ कॉन्शियस अबाउट द क्राइसिस बट द लिविंग हेड्स आर बाल्ड एंड इग्नोरेंट एंड डेड। तो यहाँ पर इवन जो पोइट है उसने आयरनी यूज़ की हुई है, मतलब अपोजिट बताया हुआ है। जो डेड लोग हैं, जो डेड पीपल हैं,
वो जो है अवेयर हैं क्राइसिस के लिए, जो क्राइसिस हो रहे हैं सोसाइटी में. बट क्या है, डेड लोग कुछ कर तो नहीं सकते ना. जो डेड लोग हैं वो क्या कर लेंगे, जो मर चुके हैं वो क्या कर लेंगे, मरे हुए लोग तो कुछ नहीं करेंगे ना. कि वो अवेयर हैं सोसाइटी में जो भी गलत हो रहा है, बट जो लिविंग हेड्स हैं उनको जो है पोइट ने बाल्ड, इग्नोरेंट और डेड कहा है. जो लिविंग लोग हैं वो मतलब जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं, डेड लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि वो डेड है नहीं. और डेड को कंपेयर किया हुआ है बाल्ड के साथ, ठीक है ना, कि एक तरह से बाल्ड वर्ड के साथ. तो इस पोइम में जो है, जो पोइट ने जो है सिंबल काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, मेटाफोर काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है ना. जैसे सोसाइटी को, सोसाइटी के जो लोग हो गए लिविंग लोग, उनको बाल्ड हेड्स बोल दिया है, ठीक है ना. जो स्टेयर है उसको एज अ मशीन गन बता दिया है, ठीक है. दिस आयरनी एंड द स्टाइरिक लैंग्वेज मेक्स दिस पोइम पावरफुल एंड आइडियोलॉजिकल. जो ये जो आयरनी और जो इस एक स्टाइरिक लैंग्वेज यूज़ की हुई है, स्टायर के रूप में एक लैंग्वेज यूज़ की हुई है पोइट ने, वो इस पोइम को और भी ज़्यादा डीप, पावरफुल और आइडियोलॉजिकल बनाते हैं. द पोइट हैज़ नॉट स्पोकन इन डायरेक्ट रिटोरिकल लैंग्वेज. इस पोइम में पोइट ने कहीं भी डायरेक्ट लैंग्वेज में यूज़ ही नहीं की हुई है, ठीक है ना. जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला हुआ है. ही हैज़ क्रिएट सिम्बॉलिक लैंग्वेज. इसने जो है, पोइट ने सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पर यही की है, हुई है कि सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ की हुई है, क्रिएट की हुई है. एंड दिस सिम्बॉलिक लैंग्वेज हैज़ मेड दिस पोइम मोर पावरफुल एंड आइडियोलॉजिकल. तो जो सिंबॉलिक यूज़ किया हुआ है लैंग्वेज का, ये इस पोइम को और भी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल पावर और डीप बना रहे हैं, ठीक है. तो ये थी, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि पोइट इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना. द वन हु इज़ डेड इज़ कॉन्शियस अबाउट द सोसाइटी क्राइसिस. जो डेड लोग हैं वो कॉन्शियस है सोसाइटी में जो भी क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति. बट द वन हु आर अलाइव नॉट कॉन्शियस अबाउट द क्राइसिस, दे आर जस्ट बाल्ड एंड इग्नोरेंट. वो जो है ऐसे बिहेव कर रहे हैं बाल्ड और इग्नोरेंट की तरह, जो लिविंग पीपल है. तो पोइट का यहाँ पर यही मानना है कि जो लिविंग लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए ना. सोसाइटी में आपको कुछ ना कुछ योगदान तो देना चाहिए ना. वो कहते हैं ना, किसी की लाइफ अगर हम अच्छी बना सके तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए. तो ये था इस पोइम की समरी. आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.